हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन टॉपिक, जिसका एग्जाम के अंदर वेटेज है मिनिमम 5 मार्क्स, मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स। ठीक है, एसबीआई क्लर्क जो प्री होने वाला है जून फर्स्ट वीक में, उसमें जो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन टॉपिक आ सकता है, 90% चांसेस है। ठीक है, तो मैं प्रॉपरली आप लोग को समझाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22 इक्वल टू 0। कभी भी याद रखिए, साइनिंग मेथड अगर आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, तो आप विद इन 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स के अंदर जो है क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, जो ये पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यही दिया हुआ है कि नहीं। ये प्लस माइनस की साइन है, तो एक अमाउंट आएगी माइनस में, एक अमाउंट आएगी प्लस में, या दोनों अमाउंट जो आएगी वो आएगी प्लस प्लस में। कितना कन्फर्म? अभी ऐसे दो नंबर बताइए जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके मुझे 9 मिलेगा और मल्टीप्लाई करके 22 मिलेगा, तो 11 एंड 2 माइनस 11 एंड प्लस 2, 11 टू जा 22, 11 माइनस 2 9, माइनस प्लस माइनस। ओके कंफर्म। उसके बाद देखिए, 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। अभी दो नंबर ऐसे बताइए जिसका एडिशन करने से 7 मिलेगा, मल्टीप्लाई करने से 12 मिलेगा, तो 3 एंड 4 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, या 2 मिलेगा या 1.5 मिलेगा, है ना। दोनों अमाउंट प्लस प्लस में, एक अमाउंट या प्लस में, एक अमाउंट माइनस में। अभी देखिए, 2 को मैं इस 2 से कंपेयर करूँ तो इक्वल है, 2 को मैं जो है माइनस 11 से कंपेयर करूँ तो ग्रेटर आ जाएगा, प्लस 1.5 को जो प्लस 2 से कंपेयर करूँ तो प्लस 2 बड़ा है, तो साइन क्या दिख रही है, ग्रेटर स्मॉल के साइन दिख रही ना, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन आंसर जो आएगा वो आएगा सी एन डी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, तो ये सिंबल रहेगा फिफ्थ क्वेश्चन ऑप्शन। ठीक है, तो सी एन डी फुल फॉर्म आता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, द रिलेशन बिटवीन दिस टू इक्वेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, इसका मतलब ये होता है। चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ, 2y स्क्वायर माइनस 13y माइनस 34 इज इक्वल टू 0, ये दिया है। दूसरा क्या दिया है, 3y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस माइनस साइन है, तो जो भी आंसर आएगा एक अमाउंट आएगा प्लस में, एक अमाउंट आएगी माइनस में। कंफर्म? सेम यहाँ भी, एक अमाउंट आएगी प्लस में, एक अमाउंट आएगी माइनस में। देखिए, अभी आपको एक बात बताता हूँ, एक अमाउंट आएगी प्लस में, एक अमाउंट आएगी माइनस में, इधर भी सेम एक अमाउंट आएगी प्लस में, एक अमाउंट माइनस में, सबको कंपेयर करना होगा। प्लस के अमाउंट प्लस से कंपेयर करो तो इक्वल आ जाएगा, है कि नहीं, और प्लस के अमाउंट माइनस से कंपेयर करो तो प्लस के अमाउंट बढ़िया आ जाएगी, है कि नहीं, माइनस के अमाउंट प्लस से करो तो ये अमाउंट बढ़िया आ जाएगी। तो साइन पहले से हमें क्या पता है कि ग्रेटर स्मॉल की आने वाली है, साइन हमें विदाउट सॉल्विंग भी पता चल जाता है कि ग्रेटर और स्मॉल के साइन आने वाली है, तो हम लोग इसका डायरेक्ट ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं कि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सी एन डी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा सी एन डी। आप लोगों को मैं सॉल्व करने के समझा देता हूँ। देखिए, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करने 68 मिलता है, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, 68 मिलता है। ऐसे दो नंबर बताइए जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों में करने से मुझे क्या मिलेगा, 13 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने 68 मिलेगा, तो 17 माइनस 4 13 ठीक है, प्लस 70 माइनस 4, दोनों को 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 8 16 2 5 10, या 2 आ जाएगा या प्लस के और माइनस 2। सेम ऐसे 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60 मिलेगा, तो एक नंबर आ जाएगा 15, एक नंबर आएगा 4, 15 15 4 60 15 माइनस 4 11, दोनों को 3 से डिवाइड कर लिया, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1.33 आ जाएगा, तो ये अमाउंट प्लस की अमाउंट माइनस की है। कंपेयर करके देखो, प्लस 8.5 जो है दोनों से बड़ा है, माइनस 2 इससे छोटा है, ग्रेटर स्मॉल की साइन आ गई ना, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, सी एन डी, सेम एज इट इज, सी एन डी मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, विदाउट सॉल्विंग में ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन देखिए कि दोनों उसमें माइनस माइनस दिख रहा है हमें, तो ऑब्वियसली बात है उसका आंसर जो भी मिलेगा वो मिलेगा हमें सी एन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये सिंबल देखने को मिलेगा आपको। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, x का चार गुना ना, तो वो भी देखिए 256 बोला है ना, अभी चार का जो छः, अभी चार का मैं क्यूब कितना बोलूँ, चार का क्यूब है 64 से मल्टीप्लाई किया क्या मिलता है, 256 मिलता है, तो यहाँ एक प्लस 4 आ जाएगा या माइनस 4 आ जाएगा कन। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0, यही दिया है। माइनस प्लस से दोनों अमाउंट आएगी प्लस प्लस में, कितना कन्फर्म है, प्लस 8 एंड प्लस 8, तो प्लस 8 मतलब सिंगल प्लस 8 ले लो आप लोग इसको। ठीक है, प्लस 8 जो है प्लस 4 से ही बड़ा, माइनस 4 से ही बड़ा है, तो इससे थर्ड क्वेश्चन आंसर जो मिला वो मिला मुझे x इज ग्रेटर देन y।
थर्ड क्वेश्चन कहां से मिला, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। चलते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो, ओके। और दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन वाई प्लस 64 इज इक्वल टू जीरो, है कि नहीं। इसका तो हमें समझ में आ गया कि 8 8 64, तो 8 + 8 16 8 8 64, यहाँ दो नाम उन जाएगी प्लस प्लस में, क्योंकि माइनस प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस 8 आ जाएगा, यहाँ प्लस 8 आ जाएगा, कन्फर्म। अभी देखिए यहाँ माइनस माइनस है ना, तो एक अमाउंट आएगी प्लस में, एक अमाउंट आएगी माइनस में, कन्फर्म। अभी दो नंबर ऐसे बताइए जिसके माइनस प्लस करने से मुझे 5 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। तो 7 एंड 2, तो प्लस 7 एंड माइनस 2, 7 2 जा 14, 7 माइनस 2 5, कन्फर्म। प्लस 7 प्लस 8 से छोटा है, प्लस 8 से छोटा है, और प्लस 8 से ये माइनस 2 भी छोटा है, तो इसका आंसर क्या मिला, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी जो मिला वो मिला मुझे वाई इज ग्रेटर देन एक्स। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं कैसे करा रहा हूँ। कुछ भी डाउट हो या फिर क्वेरी हो ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, ठीक है। आप लोगों का डाउट ऑन द स्पॉट सॉल्व किया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो। दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, यही है ना। अभी देखिए माइनस प्लस साइन है, दो अमाउंट आएगी प्लस प्लस में, कन्फर्म। माइनस प्लस साइन है, दो अमाउंट आएगी प्लस प्लस में। याद रखिए माइनस माइनस रहा तो एक अमाउंट आती है प्लस में, एक अमाउंट माइनस में, प्लस माइनस प्लस रहा तो दोनों अमाउंट प्लस में आती है, दोनों अगर प्लस प्लस रहे तो दोनों अमाउंट आएगी माइनस माइनस में। साइनिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, अगर आपको साइनिंग मेथड अच्छे से आ गया तो आप लोग विद इन 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक कर लोगे, ओके। तो यहाँ पर एक प्लस 5 मिलेगा या प्लस 4 मिलेगा, कन्फर्म। यहाँ प्लस 4 मिलेगा या प्लस 3 मिलेगा, कन्फर्म। देखिए प्लस 5 जो है इन दोनों से बड़ा है, कन्फर्म। प्लस 4 जो है इससे इक्वल है और इससे बड़ा है, तो इसका आंसर क्या मिला हमें फिफ्थ क्वेश्चन आंसर क्या मिला, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर मिला एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई। आई होप सो आप लोग समझ में आ रहा है। चलते सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, 2x² प्लस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, कन्फर्म। दूसरा क्या है, 4y² प्लस 13y प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, यही दिया है। दोनों अमाउंट जो है प्लस में दी है, पहले 12 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 24 आ जाएगा, है कि नहीं। दोनों अमाउंट जाएगी माइनस माइनस में आएगी, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 40 आ जाएगा, दोनों अमाउंट माइनस माइनस में आएगी, कन्फर्म। 8 5 = 40 आता है, 8 5 = 40, 8 + 5 = 13, और दोनों अमाउंट माइनस माइनस प्लस आता है, दोनों को जो है 4 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1.25 आ जाएगा, कन्फर्म। अभी देखिए 8 3 = 24, 8 + 3 = 11, दोनों को 2 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1.5 आ जाएगा, है ना। अभी देखिए माइनस 4 जो है माइनस 2 से भी छोटा है और माइनस 1.4 से भी छोटा है, और माइनस 1.5 जो है 2 से बड़ा है, माइनस 1.5 से 2 से बड़ा है और 1.5 से छोटा है, तो इसका आंसर भी सी एंड डी आ रहा है हमारा। तो इसी तरह हमारा आखिरी क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी एंड डी आर, क्योंकि ग्रेटर और स्मॉलर के साइन दिख रही है ना हमें, कई जगह ये ग्रेटर हो रहा है, कई जगह वो ग्रेटर हो रहा है, इसलिए सिक्स का जो आंसर है वो है सी एंड डी, ठीक है। इसी तरह मेरे 6 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, ठीक है। इन 6 क्वेश्चन में से आपको कुछ भी डाउट होगा ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, सर मुझे नहीं समझा इसमें से कोई टॉपिक हो गया, ठीक है, कुछ वेरिएबल हो गया आप लोग नहीं समझे तो, ठीक है। साइनिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी साइनिंग मेथड अच्छे से लर्न हो गई ना तो आप लोग विद इन 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफी है, आई होप सो आप लोग समझ में आ गया मैंने कैसे करा है, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।